वो अमृतसर में आए थे ऑडिशन लेने, और एक कुछ एक बंगाली थे जो क्रिएटिव टीम में थे, एक कोई मुंबई से थे दो। तो डर, एक तो हम लोग पहले डरे अमृतसर में कि बॉम्बे से लोग आए, बॉम्बे से लोग आए। तब तक हमने बॉम्बे सिर्फ खबरों में ही सुना था। वैसे डरा होता है आम आदमी छोटे शहर का ना, कि जाएंगे तो उधर दाऊद मिलेगा, हमारा कोई कोई गुंडा मिल जाएगा, ऐसी ऐसी मतलब सुनते थे ना खबरें। हालांकि जब बॉम्बे गए तो एक अलग ही बॉम्बे देखने को मिला हमें। तो वैसे ही मन में था कि ये भी लोग बॉम्बे से आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो आए क्या, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज योर गुड नेम, मतलब ये कपिल, हाँ तो ये माइक ऑन है इनका, ऐसे तो दो मिनट में फटाफट व्हाटएवर यू गोइंग टू डू, व्हाट इज योर वॉइस, पता नहीं कितनी इंग्लिश बोल दी उसने। तो मैं क्या जी करना क्या है। अच्छा, तीन मिनट वो खुद इंग्लिश बोलता रहा, मुझे कहता दो मिनट में कॉमेडी करके बताओ। तो मेरे को समझने में लग गया, तो जो आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता फिर वो माइक ठीक करता रहता है, हेलो हेलो हेलो। मैं कहा सर आवाज़ आ रही है, कहता नो और सुनाइए कुछ। मैं कहा नहीं चेक कर रहा हूँ, रिजेक्ट करके चले गए। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई उसी शो के लिए। वहाँ पर चला गया कपड़े चेंज करके, बाल थोड़े अलग से बना के, थोड़ा मुंह भी ऐसे कर दूंगी पहचान ना ले, वहां पे भी वही लोग ना जाए। मुझे लगा कि वही तो वही लोग थे वहां पे, तो वही आदमी मैंने जब देखा मेरे सांस फिर सूखे, मैं कहा ये फिर बोलेगा इंग्लिश में। पर वहां पे मैं सिलेक्ट हो गया, हालांकि मैंने किया वहां पे भी वही, पर ये है कि वहां पे थैंक्स उन लोगों का करूंगा जो मेरे आगे थे ना, उन्होंने बड़ा गंदा किया तो मुझे उन्होंने रख लिया। बस ऐसे ही सफर शुरू हो गया सर, कुछ प्लान नहीं एक्चुअली, सब फ्लो में ही होता गया। लाफ्टर चैलेंज के बाद दूसरे शोज करता रहा, फिर मैंने कॉमेडी सर्कस जब करता था तो मुझे लगा कि अब 6 सीजन उसके मैंने किए थे, हर बार मार्क्स मिलते हैं आपको कि आपके आज इस सेट के लिए 10 नंबर हैं, इसके लिए आज 9 हैं। मुझे लगता था कि आप अपने काम के लिए खुद ही ईमानदार होने चाहिए, इससे पहले कि आपको कोई नंबर दे। नंबर पब्लिक देती है जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो मुझे था कि मैं अपना एक शो शुरू करूँ, सो एक एफर्ट किया और कॉमेडी नाइट्स पहली बार शुरू, जो उसका कॉन्सेप्ट बनाया, फिर लोगों ने इतना प्यार दिया, तो बस फिर उसके बाद से सब फ्लो फ्लो वाइज ही है। तो हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रगल होती कहाँ पे है एक्चुअली। मैंने जूहू बीच सुना हुआ था और बच्चन साहब का घर सुना हुआ था, तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर रोज जा खड़ा हो जाता, मुझे लगता था यहीं से कोई उठा लेगा हमें। फिर जूहू बीच और 7:45 वहां से भागना पड़ता था, क्योंकि मीरा रोड में पानी एक ही बार आता था रात को। तो तब पता ही नहीं था स्ट्रगल होती कहाँ है। लाफ्टर चैलेंज की पहले की बात है, ये 2002 की बात है, वो लाफ्टर चैलेंज तो 2007 में आया ना। तो मुझे किसी ने बताया जब वापस बॉम्बे गया, तो मेरा एक और दोस्त था जो यहाँ पे स्ट्रगल करके गया था, कहता यार तू किधर जाते थे तुम लोग स्ट्रगल करने। मैं कहा बच्चन साहब के घर के बाहर और जुहू बीच। कहता तू बेवकूफ है, कहता उधर लोग घूमने जाते हैं, कहता स्ट्रगल तो होती है अंधेरी वेस्ट, वहां पे प्रोडक्शन हाउस है वहां पे जाओ। तो मैं कहा वो किधर पड़ता है, कहता तू बेवकूफ ही है तू, कहता। तो उस समय नहीं पता था, बचपना था, मैं तो बचपना है ही, मेरी माँ की सुन लो आप। मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हुए तो हमने फोन किया, मम्मी बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी मेरी कहती अच्छा क्या कहते बच्चन साहब। मैं कहा वो मुझे मिलने के लिए खड़े हैं, अपने घर में बैठे होंगे मुझे क्या पता। तो पर हाँ फिर धीरे धीरे भगवान रास्ते बनाता जाता है सर। आपके पसंदीदा न्यूज वीडियो देखिए फेसबुक में सबसे पहले। न्यूज के पेज पर फॉलो या फॉलोइंग बटन को दबाएं। नीचे मौजूद 3 ऑप्शन में से राइट साइड वाला सी फर्स्ट चुनें और देखें न्यूज के सभी वीडियो सबसे पहले।